ये वो है ट्रैक्टर पे, और दादाजी मुस्कुरा रहे हैं। पूरी बीच पे सुबह लगभग 7:30 बजे का ये नज़ारा। अगर आप सोचोगे भाई इतनी जल्दी मैं क्यों उठ के बैठ जा रहा हूँ, ये देख लीजिए समय आ गया है पूरी को अलविदा कहने का, और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ भुवनेश्वर। और जो प्लान है वो है ना कि डायरेक्ट बस लेकर पूरी से भुवनेश्वर जाने का, बट कि बीच में ऑटो लेके ब्रेक कर करके जाने का, ताकि मैं थोड़े से उड़िया फूड ट्राई कर सकूँ ऑन द गो, और अगर कुछ हो पाता है ऐसा तो फिर कैप्चर करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखते हैं कितना हो पाता है। कल भी यही सोचा था मैंने छिलका से वापस पूरी आते समय, लेकिन थोड़ा शाम हो गया था तो कुछ हो नहीं पाई। ये देखे मछुआरे अपना जाल पे काम करते हुए। मेरी पुरी से वापसी भुवनेश्वर यात्रा शुरू हो रही है। जैकेट उतार दिया मैंने क्योंकि गर्मी हो गई है, और फिर से वही अपना सिग्नेचर लाल टी शर्ट। सुबह के 10:30 बज रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई, और ये देखिए हाईवे आगे से, जो कि हाईवे आपको भुवनेश्वर जा रहा है, तो जैसा मैंने पहले बताया कि कोई प्लान नहीं मेरा बस लेने का, तोड़ लोड़ के जाऊँगा, तो एक ऑटो लूँगा आगे से जो कि चंदनपुर नामक जगह है, और 10 किलोमीटर लगभग है यहाँ से, और यहाँ से भुवनेश्वर लगभग आपका 60-65 किलोमीटर है। तो 60-65 किलोमीटर 10:30 हो रहे हैं, पहुँचते हैं। रास्ते में आपको पूरी बकचूदी से रूबरू कराते रहेंगे। देखिए कितना आगे तक पहुँचते हैं, कैसे कैसे चल पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी ये यात्रा। ये देखिए हाईवे, और सामने लिखा है भुवनेश्वर। मैं रुक गया था, मैं थोड़ा सा साइड में आ गया, मैंने उसका ये दिखा दूँ कि आगे वाला जो हाईवे है वो भुवनेश्वर ही जा रहा है आपका। मैंने पहली गाड़ी ले ली है, और ये जो है आपका, ये मैं जा रहा हूँ चंदनपुर लगभग 9 घंटे है। मैंने आपको पहले बताया कि जो हम चंदनपुर जाने के लिए हमने हाईवे छोड़ा था, वापस हम फिर से उसी हाईवे पे वापस आ गए। एक दूसरी जगह चंदनपुर के आगे उतर गया हूँ, इसका नाम है आपका सतसंखा। थोड़ा वॉक करूँगा आगे से, देखता हूँ कोई होटल वोटल मिलता है मुझे खाने पीने के लिए, उसके बाद फिर आगे अपनी यात्रा आगे बढ़ाता हूँ। और उसके बाद
खा दो, फिलहाल उतर गया हूँ मैं, और उसके बाद थोड़ा आगे चलता हूँ। थोड़ा जिस पर्पस के लिए मैं ऐसे उतर घूम रहा हूँ वो है कि आपका कुछ खाने पीने को मिल जाए, मुझे खाने पीने को मिलता है तो खाता पीता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ। देखता हूँ, चार लेन रोड है आपकी तो काफ़ी सही सा हाईवे है, तो उम्मीद है मुझे कि इतना सही हाईवे है तो जनता के लिए रास्ते में आपका खाने पीने के लिए भी ऑप्शंस होने चाहिए। अब वो मुझे पता नहीं है कि कहाँ पर होंगे, तो उस हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा। दला की लड़बो, और ये देखिए भुवनेश्वर 38 किलोमीटर यहाँ से, तो लगभग जब मैंने शुरू किया था पूरी से, जब मैंने लगभग पूरी से शुरू किया था तो लगभग 65 किलोमीटर था, तो मैं लगभग कितने किलोमीटर, 27 किलोमीटर आ चुका हूँ और आपका 38 किलोमीटर और बचा है। जो दादा कहते हैं दादो 20 पानी मलाई मलाई। देखिए जब चलते चलते आप थक जाइए तो रास्ते में आपके हाईवे के किनारे नारियल की दुकानें और नारियल का सेवन कीजिए, मलाई चखिए और फिर आगे बढ़ जाइए। लगभग मैं वहाँ पे जब ऑटो वाले उतारा मैं उसके बाहर लगभग 2 किलोमीटर वॉक कर चुका हूँ। फिलहाल मुझे कोई साइड में कोई ढाबा या होटल जैसा कुछ नहीं दिखा जहाँ पे मैं उड़िया खाना ट्राई कर सकूँ, लेकिन ठीक है फाइट मारते रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे, देखते हैं कब तक हमें दर्शन होते हैं उड़िया खाने के या फिर ऐसे होटल टाइप्स के जहाँ पे हमें कुछ खाने पीने को मिल जाए। पर मौसम अच्छा है, रोड अच्छी है, तो फिक्र किस बात की, चलते रहिए। देखिए जब आप ऑटो से चलते हैं तो ऑटो में उसे उतरिए और फिर जब थोड़ा चलते चलते थक जाइए तो इस तरह से आपको लिफ्ट मिल जाती है, दादा लोग रास्ते में मिल जाते हैं जो थोड़ा सा है ना दादा थोड़ा बहुत पहुँचा देते हैं आगे तक, और जितना आगे तक पैसा जाएंगे उसका आगे खाने पीने का जुगाड़ देंगे। दादा हमें मिल गए हैं, 2-3 किलोमीटर हमने पैदल चला, उसके बाद आगे दादा हमें छोड़ देंगे जहाँ पर हमें कुछ पानी खाने का जुगाड़ देंगे। चलते रहते हैं, मोटरसाइकिल चला उतर गया हूँ और एक सामने एक काली ढाबा दिखाई पड़ रहा है मेरे को। अब दादा बोले कि यहाँ पे बढ़िया अच्छी बात मिलेगा, तो देखते हैं क्या मिलता है खाने में। दादा माछी भात, माछी भात है, देखिए बिल्कुल ही हाईवे के जस्ट बगल में है। ये रहा आपका नमक है, हरी मिर्च है, पानी की बोतलें रखी हैं, और दादा से बोला हमने कि आपका क्या कहते हैं माछी भात के, ये रहा आपका हरी मिर्च के साथ, मज़ा आ जाएगा। मेरा प्लेट आ गया मछली और चावल का, ये देखिए आपको मुझे को ये जो लग रहा है ये आपकी थोड़ी करेली जैसी सब्ज़ी है, ये आपकी मछली हो गई, दाल है, एक और सब्ज़ी है और चावल है। चले खाते हैं, खाते हुए वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि भूख ज़्यादा लग रही है, मैं आराम से खाता हूँ और फिर जब खाने के बाद इसको बताता हूँ कि कैसा था ये खाना। दाल बिल्कुल देखिए तड़का मार के दाल दिख रही है मेरे को, और मछली मैंने साइड कर ली, घुमा लिया है, और चले शुरू करते हैं खाना। मैंने हाथों थोड़ा सा खाना खा लिया है, तो मैं अगर पहले आपको दिखाता हूँ तो ये आपकी जिन देख रहे हो ये आलू बैंगनी सब्जी है, जो मैं पहले नहीं बिना टेस्ट करने नहीं बता पाया, और ये आपके बेसिकली करेला नहीं है, ये परवल का बड़ा भाई जो होता है टाइप वह तो है, प्याज भी दे दी भाई ना, और खाना वहाँ खाना बढ़िया है। खाने के बाद मुझे दाम नहीं पता, तो मैं जब खाने खा लूँगा उसके बाद भाई इसका दाम पूछता कि कितना है, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका कितना है, कितना रुपये का ये पूरा खाना है। ये चीज़ और मुझे बतानी थी, देखिए अगर मैं पास से इसको दिखाऊँ तो इसमें आपके सरसों के दाने, तो बेसिकली आपका असली जैसे कहते हैं ना असली पता नहीं बड़ा बंगाली स्टाइल या उड़िया स्टाइल की जो मछली की प्रिपरेशन थी बिल्कुल वैसी थी, ऑलमोस्ट डन हो गया मेरा और उड़ीसा आना सफल हो गया। अगर आपने अगर ऐसे रोड साइड मछली बात नहीं खाया तो मतलब उड़ीसा आइए तो आए थे रोड साइड में रुक के मछली भात ज़रूर खाइए अगर आप नॉन वेज खाते हैं, मतलब आखिर कुछ बचे हुए आने वाले मेरे उनको मैं ग्रहण करता हूँ और फिर आगे अब यात्रा करने।
मेरा भोजन हो गया है, तो ये रहा जहाँ पे मैंने खाना खाया था, आपका माँ काली ढाबा हाईवे पे सामने। और पता मैं, हाँ मैंने बता नहीं पाया था, तो इस थाली की जो कीमत थी होती आपकी 50 रुपये, बिल्कुल अंदर भी काफ़ी कुछ बैठने का है, बाहर आप बैठ सकते हैं इस तरह से। और बस इसके बाद अपना सफ़र आगे बढ़ाते हैं। ये खा के अब हम चल चुके हैं, लंच कर लिया हमने, और अब जिसका जिसका लुत्फ़ उठाने में काफ़ी मज़ा आएगा वो है आपको इस तरह से जो आप सामने देख रहे हैं, चाय के स्टॉल्स। मैंने लास्ट टाइम काफ़ी जान देख रहा था, उस समय तो भूख लग रही थी इसलिए इनका इंतु कम हो रहा था, बट फिलहाल खाना खाने के बाद थोड़ा वॉक करूँगा और फिर कहीं पर चाय बैठते हैं और चाय की चुस्कियाँ लड़ाते हैं, आराम से चाय का लुत्फ़ उठाते हैं। भुवनेश्वर दिखा रहा था आपका, 35 किलोमीटर और बचा हुआ है, तो लंच किया मैंने, उसके बाद लगभग आधे किलोमीटर और वॉक किया, और उसके बाद फिर से मैंने तीसरा ऑटो ले रहा हूँ। मुझे नहीं पता कहाँ से, जहाँ तक इस मेन हाईवे तक रहेगा मैं उस पर रहूँगा, उसके बाद फिर वहाँ पर उतर के थोड़ा सा वॉक करने का प्लान है। चलिए आगे चलते चलते देखते हैं और क्या क्या। एक्चुअली मुझे सोचा था वो हो नहीं पाया, क्योंकि ये देखिए पिपली की रोड लेफ्ट में जा रही है और आपका जो भुवनेश्वर का हाईवे है वो मेन वो आगे जा रहा है, तो फिर प्लान कैंसिल पिपली ना जाने का, यहीं पर उतर गया हूँ मैं और फिर आगे देखता हूँ यहाँ से आगे निकलने का क्या करना है, क्योंकि मेन जो हाईवे है आपका भुवनेश्वर का निकला वही। हमारी जो ट्रैक्टर की हिचहाइकिंग थी वो समाप्त हो गई है, ऑलमोस्ट भी लगता है 15 किलोमीटर टाइम्स उसे मैं आया हूँगा और फिर से उतर गया हूँ, फिर आ गया हूँ सड़क में और फिर आपका वॉक करते हुए देखते हैं आगे कितना चलता हूँ। कहीं पे चाय की तलब हो रही है हमें, तो कहीं पे कोई अच्छी चाय की दुकान मिलती है जहाँ पर मैं बैठ के चाय वगैरह पी सकता हूँ, तो वहाँ पर बैठूँगा, थोड़ा चाय की चुस्कियाँ लेता हूँ। और समय हो गया आपका 1.5, मतलब कि 3 घंटे हो गए मुझे पूरी से निकले। देखिए अब आपको मेरा माइलस्टोन दिखाई पड़ा होगा, तो भुवनेश्वर बचा हुआ है 20 किलोमीटर, तो लगभग मैं 45 किलोमीटर चलाया हूँ लगभग 3.5 घंटे में, ऑन एन एवरेज 15 किलोमीटर हर घंटे के हिसाब से, क्योंकि बुरा नहीं है, काफ़ी सही है। चलिए आगे फिर से एक बार अपनी चौथी या तीसरी ऑटो की सवारी शुरू कर दी है, काफ़ी दूर तक चल के पा गए थे, उसके बाद हमने बज रहे हैं और मैं फाइनली पहुंच गया हूं आपका भुवनेश्वर में। 65 किलोमीटर की यात्रा, 4 घंटे का सफ़र और लगभग कितने मैंने चार या पाँच ऑटो लिए हैं, 2 बार बाइक से लिफ्ट ली, 1 बार ट्रैक्टर से लिफ्ट ली और आपका क्या कहते हैं हाँ, और कुल मिला के मेरा लगभग 45 रुपये का ऑटो उसमें खर्चा, तो कुल मिला के 65 किलोमीटर की जर्नी
और क्या कहते हैं आपका 45 रुपए का खर्चा। तो चलिए फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ, मिलता हूँ अगली बार आपको एक और नए सफर नामे पे। तब तक घूमिए आवारा।